हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंफर्ट ट्रेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी ZTE न्यू 2 के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल ब्लॉक करनी है या कोई नंबर ब्लॉक करना है पर्सनल, तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना डायलर ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको राइट साइड में 3 डॉट मिल जाती है, इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है तो यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है ब्लॉक नंबर। सिंपली सेटिंग में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक नंबर्स, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अननोन नंबर, सारे आपके नंबर यहाँ से ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल एक नंबर ब्लॉक करना हो तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐड ए फोन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी एक नंबर अपना ब्लॉक कर देते हैं, जैसे हम अपना नंबर डाल देते हैं इसमें, इस पर अपना नंबर डाल देते हैं हम, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे हम कर देते हैं ब्लॉक, ये नंबर हमारा हो चुका है इसमें ब्लॉक। इन फ्यूचर कभी आपको नंबर अनब्लॉक करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसे अनब्लॉक करने के लिए आपको ये क्रॉस का चिन्ह दिखना है, इस पर क्लिक कर देना, इसे कर देंगे हम अनब्लॉक। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर एक नंबर को भी ब्लॉक कर सकते हैं और उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं, और अन्य नंबर की कॉल भी आप यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।